हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पटवारी के एग्रीकल्चर के जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मेज, यानी कि मक्की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? इसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी एलम इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, HT2967 इज द हाई याइल्ड वराइटी ऑफ। HT2967 वराइटी किस चीज की है? ऑप्शन ए वेट, यानी कि गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज। ऑप्शन सी पेडोलॉजी इज द राइट आंसर। इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज मोस्ट प्राइज्ड टी ग्रोन? इंडिया में सबसे महंगी टी कहाँ पर ग्रोन की जाती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग इज द राइट आंसर। तो इसका एक क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग में कौन सी टी ग्रोन की जाती है जो कि सबसे कीमती भी है। उसका सही आंसर आएगा मैकब्री टी। मैकब्री टी है जो दार्जिलिंग में ग्रोन की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड? ऑप्शन ए पेडोलॉजी इज द राइट आंसर। पेडोलॉजी के मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, दोनों एक बार आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। एक आप मैंने आपको सेकंड या थर्ड नंबर पे बताया, एक सिक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर भी पेडोलॉजी आएगा। दोनों को एक बार आप रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, दी MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में जो MSP फूड ग्रेन वॉज इंट्रोड्यूस हुआ था? 1964। एट्थ क्वेश्चन है, अ क्रॉप ग्रोन इज जैद सीजन इज। ऑप्शन ए वाटरमेलन इज द राइट आंसर। अब नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द सॉइल विच ब्लीचिस क्विकली ड्यू टू रेन इज कॉल्ड? कौन सी ब्लीच है जब बारिश आती है, बारिश के साथ वो बह जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लैटेराइट। ये भी आप एक बार रट लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपको। टेंथ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल क्रॉप? कमर्शियल क्रॉप किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉटन इज द राइट आंसर। कॉटन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैं जितना होगा नेक्स्ट पार्ट में भी आपको एक बार बताऊंगी क्लियरली। अब इलेवेंथ क्वेश्चन है, सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ। वेस्टर्न राजस्थान में क्या ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन ए कैल्शियम इसका राइट आंसर है। इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन आपको बार बार। प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ। ऑप्शन ए रेड ग्राम। थर्टीन क्वेश्चन है, सॉइल फैक्टर्स आर अदरवाइज नोन एज। ऑप्शन ए एडविक फैक्टर्स। एडविक फैक्टर्स इसका राइट आंसर है। फोर्टीन्थ, वाटर यूज एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। पानी के यूज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी हो तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है, इसी की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप इरिगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी देखो, इन्होंने यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ऑप्शन डी भी आ सकता है पंजाब एंड हरियाणा, लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। लेकिन इसका सही आंसर है केरला एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप एक बार रट लीजिएगा, मोस्टली पंजाब एंड हरियाणा मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ग्राउंडनट पैक्स व्हेन डेवलप्ड इन द सॉइल फ्रॉम। ऑप्शन सी फ्रूट्स इज द राइट आंसर। 16th का ऑप्शन सी यानी कि फ्रूट राइट आंसर है। 17th, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइज्ड फिक्सेस द। ऑप्शन बी स्पोर्ट प्राइस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था MSP यानी कि मिनिमम स्पोर्ट प्राइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पोर्ट प्राइस। 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ब्लैक सॉइल की जगह वहाँ ऑप्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल भी लिखा हो सकता है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, ब्लैक सॉइल
ब्लैक कॉटन सोइल भी इसी को कहा जाता है। अगर ब्लैक कॉटन सोइल लिखा होगा तो आप ब्लैक कॉटन सोइल पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी ब्लैक सॉइल इसका सही आंसर है। 19th क्वेश्चन देखिए, पिंक बॉलवर्म इज अ पोस्ट ऑफ ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन ए कॉटन इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज शुगर बॉल, कौन सी स्टेट है जो शुगर बॉल के नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ये भी ज़रूर पूछा जाता है, इसको भी एक आप अपने माइंड में रट लीजिए, एक बार पूछा जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं 21st क्वेश्चन की। 21st यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन 20th जो है इसमें पंजाब हरियाणा भी लिखा है, इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़न में पंजाब या हरियाणा में टिक कर देते हैं, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश ही सही आंसर है 20th का। 21st की बात कर लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ग्रीन रेवोल्यूशन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने स्टार्ट किया था, तो जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इसको भी आप एक बार रट लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 22nd देखिए, रत्ना इज द वैरायटी ऑफ ऑप्शन बी राइस यानी कि चावल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं 23rd की, 23rd क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया का कौन सा रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट है, इसको भी आप रख लीजिए, ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपको, तो इसका फर्स्ट रैंक है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, ठीक है, तो इसको आप रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं 24th क्वेश्चन की, 24th क्वेश्चन देखिए, नीलम इज वैरायटी ऑफ, नीलम किसकी वैरायटी है, ऑप्शन सी मैंगो इज द राइट आंसर, इसको भी रख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीलम किसकी वैरायटी है, मैंगो यानी कि आम की। 25th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट्स इन, जो आपने देखा होगा कई बार कुछ पोटैटोज होते हैं जिनमें ऊपर से ग्रीन ग्रीन सा रहता है, वो क्यों रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, मैं इसको हाईलाइट करना माइंड से स्लिप हो गया, ऑप्शन ए यानी कि डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कमी से ये हो जाता है कि पोटैटोज जो है ग्रीनिंग हो जाते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कोई कमेंट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछा कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।